हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज है मेरा फास्ट, और वंदना बोल रही थी मम्मी मेरा भी फास्ट है, लेकिन वो अभी जो है नीचे गई हुई है। मैं नहाने के लिए गई थी तो उसको और गौरी को नीचे छोड़ दिया था, और जो है अब मुझे पूजा करनी है। तो दिया वगैरह लगा दिया है और अब मैं पूजा करूँगी। तो दिया लगा दिया है, मैंने सोचा पहले भी लोग स्टार्ट कर लेते हैं दिया लगा के, और धूप बत्ती लगा दी है। और मंदिर जो है मैंने कल क्लीन कर दिया था, देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा। वैसे तो मंदिर रोज़ ही साफ होता है, लेकिन फिर भी जब आज कान्हा जी का बर्थडे है तो ये देखो, ये हमारे प्यारे जी कान्हा जी, ये राधा जी, ये गणेश जी। और चलो जी, अब जो है मुझे चूल्हा जलाना है। तो सुबह खोया तो निकाल लिया था मावा, और फिर किया है मैंने बाकी का सारा काम। और काम करने के बाद में जो है अब मुझे कढ़ाई चढ़ानी है और भूननी है सूजी। चल रही है अच्छी खासी हवा, बढ़िया। और बस थोड़ी सी जो है दिक्कत हो रही है, चिल्ले पे हवा लग रही है, देखो। और तो जो है चाशनी बनने के लिए रख दिया, तो घर बनाएंगे सूजी के चक्के। तो सूजी मैंने भून ली, तो चाशनी तैयार कर रही हूँ उधर, अभी बनी है। तो जब ऐसे तीन तार वाली बनने लगेगी तो जब जमेंगे चक्के, तो जो सामान था जो जो भी बनाना है तो वो मैंने मंगा लिया था, तो दिखाएंगे आपको क्या क्या सामान मंगाया। ये देखो कितना अच्छा मौसम है। वैसे बर्थ में ही बच चुका है और जो है कुछ नहीं खाया पिया, और गौरी परेशान कर रही बहुत ज़्यादा, कुछ भी काम नहीं करने दे रही है मुझे। और बाल धोए थे, बाल है गीले। और ये देखो हम यहाँ फ्रेश पर लेट गया, क्योंकि बेड पर लेट कर हमें गलती आ गया, नींद आ रही है, एक बज गया। और अभी अभी पिया है दूध, जो है काम के चक्कर में ना ही चाय पी और ना ही दूध। और ये मम्मा मम्मा नहीं खत्म होता इसका, देखो इस लड़की की मम्मी पापा बस यही कह रहे हैं। देखो आ जाओ, देखो मैं राधा हूँ, राधा। तो जी सुबह पीहू को लहंगा बनाया था तैयार करके, और इसे भी बनाया था फ्रॉक पीले कलर का, और लेकिन क्या है ना, दोनों बहनों ने गंदे कर दिए। वीडियो तो बन नहीं पाई क्योंकि सुबह सुबह काम का इतना लोड था। वंदना के डैडी को तो गोबर के डाल का है खेत में, और फिर जो है चारा लेकर आएंगे, घास लेकर आए, पत्ते वगैरह। और उसके बाद में जो है फिर वंदना को लेकर वंदना के मामा के यहाँ गए, और ऐसे ही जो है सारा काम रूटीन वर्क तो आपको पता ही है, पशुओं को नहलाना, गोबर, सन्नी, कूड़ा, झाड़ू वगैरह बहुत सारा काम होता है, क्लीनिंग वगैरह का। इस चक्कर में जो कुछ भी नहीं हो पाता, और बीच बीच में गौरी भी ये भी परेशान करे। तो जी चलो, और देखते हैं हमारे यहाँ पे जो है हर साल ही जो है सुंदर झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, और गांव में को निकल ली जाती है, दिखाएंगे आपको ज़रूर जो आएगी। तो वंदना के डैडी तो नहीं हैं, जो वंदना के डैडी आ गए तो वे बना के ले आएंगे वो लोग। तो बहुत ही अच्छा लगा जब ऐसे जो है झांकियाँ वगैरह निकल ली जाए, और खुले बाल करके ना गर्मी बहुत लग रही है, और गर्मी आज ना बहुत ही ज़्यादा हो रही। ये तो क्या भाई, गर्मी हो रही तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो रही। तो चलो जी, आप जो है चक्के के लिए सूजी भूनते हैं और चक्के जमाते हैं। तो दूध पी लिया है, और अब जो है चूल्हे का काम संभालना है। तो लड्डू बनाने हैं, और क्या बनाना, बेसन के लड्डू, फिलाई के लड्डू, चक्के, बर्फी और पेड़े, बस यही बनाएंगे। रसगुल्ले नहीं बनाएंगे, रसगुल्ले के बोला तो था मैंने, लेकिन वंदना के डैडी ने मना कर दिया। फिर बना लेना एकदम से, जो है इतना सामान मत बनाओ फिर ख़राब वगैरह हो जाए। तो चलो जी, अब जो है अपना शाम तक का ये काम करते हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाले नींद आ रही है, क्योंकि रात भर ना गौरी ने सो नहीं दिया, क्योंकि इसके जुकाम हो रहा और खांसी, तो उसमें ये सो नहीं पाई अच्छे से। तो जी चलो, अब चलते हैं।
कुछ नहीं, मेरे खरीदार आया है तो अभी ये तार भी नहीं हुआ इधर तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा। और इधर जो है सूजी भूनी और ये परात में लगा लिया है देसी घी और ये है गोले का बरूदा। तो सारा सामान ला कर पहले ही तैयार कर लिया, फिर बार बार उठने का झंझट नहीं है तो मैं खुद ही बना ली, क्योंकि माँ की आँख में ना मच्छर डल गया है तो इसलिए माँ चुलाई के लड्डू बनवाने के लिए आ जाएगी और चक्के में खुद ही जमा लूँगी। ये तो जमा लेती हूँ मैं। तो जी बुआ जी की हो गई है जाने की तैयारी। तो राखी बांध कर बुआ जी 8 दिन के लिए रुकी थी अपने मायके में, तो आज जो है बुआ जी जा रही है क्योंकि बुआ जी के बच्चों का फ़ोन आ रहा है और जो है बुआ जी की पोती की शादी है, तो इस वजह से हमें शॉपिंग वगैरह भी करनी है। चलो जी बुआ जी जा रही है उधर गजन के साथ में और बुआ जी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और बुआ जी को दे दिया अलविदा भी। चलो जी बुआ जी से ले लेते हैं अलविदा, तो चरण स्पर्श कर लेते हैं बुआ जी के और बुआ जी से बोल रहे थे सब आराम से जाना बुआ और जल्दी से फिर आना। तो बुआ जी हमारी जो है रहने के लिए आई जाती है आज के टाइम में जो है, और माँ के यहाँ पर गले मिल के जब चलेगी अपनी भाभी से। तो मैं यहाँ गाय नुहा रही और गाय नुहाने के बाद मैं जो है बाकी का काम करूँगी, क्योंकि सबसे पहले पशुओं का काम हो जाएगा और इन्हें चारा। पहले इनके ऊपर पानी डाल दूँ तो उसके बाद में ना बुरुश से रख लूँगी और भेजिया। नुहाऊ गाय नुहाओगा पोछा लगाओगा। चल अब जब मड़ी जाइए बस। तो जी हमारी बुआ जी की हो गई है विदाई और बुआ जी जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स मैं लग गई थी अपने काम में, तो मैंने सबसे पहले पशु को मिलाया, फिर जो है उनकी वहाँ पर झाड़ू वगैरह साफ वगैरह किया और उसके बाद में जो है गोरी को लेके आ गई थी और वहाँ पर सिर धोके। और ये देखो अब जो है मुझे गोरी को पिलाना है दूध। तो फ्रेंड्स करते हैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर, तो तब तक के लिए बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपनी जन्माष्टमी अच्छे से और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाइएगा। तो चलो जी फिर जो है ना बाकी के काम भी करने हैं और मिठाई वगैरह भी बनानी है और देखते हैं क्या क्या करेगी क्या चलाएगी, क्योंकि जो है गोरी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है 2 दिन से, तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है।